तो आज यहाँ पे काम चालू, ये वाले में हम लोग बांधने वाले हैं अपना पंच सीरीज और ये वाले में अपना ये सीरीज ऐसा सीरीज बांधने वाले हैं। तो इसमें आठ बेस, इसमें पंच बंधेगा आठ बेस, फ्रंट बेस इसमें एसएस सीरीज, ठीक है। तो अभी इसमें भी लाइट हम लोगों को बांधना लगभग 6 आरपी, इसमें बंधेगा ये वाले बड़ी गाड़ी में, इसमें बंधेगा लगभग 10 आरपी। तो आज मौसम बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा धूप है और लगता है शाम को पानी गिर सकता है, ऐसा लगता है लेकिन गिरना नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डल रहा है एम्पलीफायर ऊपर में और यहाँ पे चार बेस हम लोग डाल दिए हैं और ये अपना ये डालेंगे एसएस सीरीज को और उसमें डालेंगे ये वाला पंच सीरीज को और भगवा बेस जो है यहाँ पे रखा है ये देखो। तो अगर किसी को चाहिए तो आप, किसी को लेना होगा तो आप बताइए, इसको काफ़ी कम रेट में हम लोग दे देंगे ये बेस को, ठीक है। ये देखो फ्रेश कंडीशन है, यहाँ पे इसका कवर अगर आप दिखाएं तो ये देखो पॉलीथीन लगा हुआ है, कहीं भी स्क्रैच वगैरह नहीं आया है, ठीक है। ये देखो एकदम फ्रेश कंडीशन में है ये, अगर पॉलीथीन आप निकालोगे ये देखो, ठीक है। तो ये है, अगर चाहिए किसी को तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर अभी ये वाला अभी हम लोग बांध रहे हैं, ये वाला देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है, दोनों में से कोई भी एक बांधेंगे। ये बहुत हैवी प्लाई का है, हैवी प्लाई में बना था ये, नीचे में तो ये अभी ये वाला जो है ना आठ बेस हम लोग डालेंगे, कितना हाइट जाता है ये देखेंगे। तो अभी यहाँ पे डर रहा है अपना ये एम्पलीफायर और ये हम लोगों का जो 75 kVA का इसमें डला है ये DG ओपन सेट। तो चलो अभी फटाफट बांधना गाइस, बहुत काम है, बहुत काम है, लाइट वाइट बांधना है, ट्रस बांधना है, इतना सारा काम है। देखो सामान पूरा फैला हुआ है, पूरा गोडाउन भर पूरा सामान फैला हुआ है ये देखो। और यहाँ पे अगर कैबिनेट चाहिए तो यहाँ पे और कैबिनेट रखाया हुआ है एसएस सीरीज का, ये देखो। तो पूरा सामान तितिर बितिर पूरा सामान पड़ा है, यहाँ स्पीकर, यहाँ स्पीकर, ये देखो। तो चलो अभी सामान लोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। और कल भी दिखाएंगे, परसों भी दिखाएंगे, दो तीन दिन का कंटिन्यू बुकिंग है तो दिखाएंगे। आज बहुत दिन बाद हम लोग बांध रहे स्कूप को, ये देखो। तो बाकी आप लोग पंच बेस बांध रहे थे, अभी ट्राई करते हैं स्कूप का क्या रिस्पांस आता है गाड़ी में। बाकी जमीन में तो बहुत अच्छा ही रिस्पांस है, बहुत तगड़ा रिस्पांस है। तो अभी चलो देखते हैं, दोनों चेक करेंगे, वैसे हम लोग ये वाला भी और ये वाला भी, पंच भी और ये दोनों चेक करेंगे। तो चेक करेंगे तब आपको और दिखाएंगे साउंड चेक वगैरह, ठीक है। सो ये देखो, तो कल हम लोग ना बहुत लेट हो गया था और मैं भूल गया था वीडियो बनाना, कि हम लोगों को वीडियो बनाना है ऐसा करके। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सिस्टम कैसा हम लोग बांधे हैं, ठीक है। तो चलो देखो, तो ये है सिस्टम। कल क्या हुआ ना, कल हम लोग भूल गए कि वीडियो बनाना करके मैं आपको आधा दिखाया था, फिर ये जो ट्रस है ना उसमें दिमाग ख़राब हो गया था कि कैसा बांधना है। मतलब काफ़ी सोचने के बाद हम लोग सोचे कि ऐसा बांधते हैं, क्योंकि इसमें जो सिस्टम बनता है वो चार चार का सिस्टम बनता है, तो हम लोग सोचे कि ये तीन तीन और दो दो बांधते हैं करके। और सिस्टम आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो, ऐसा अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताना कि अच्छा लग रहा है। और नाइट में प्रोग्रामिंग भी बनाया है, तो मैं चला गया था घर और यहाँ बन गया है पूरा ऐसा प्रोग्रामिंग। और अभी इसमें डालना है हम लोगों को लेज़र डालना है। अब देखते हैं लेज़र कहाँ पे अच्छा लगेगा, ये साइड ब्लाइंडर के साइड में और ये साइड ब्लाइंडर के साइड में हो सकता है, तो लेज़र डालेंगे अपना जो 20 वाट का है ना, तो हो सकता है वो वाला लेज़र डालेंगे, क्योंकि लेज़र बहुत ख़तरनाक है भाई। जैसे अब लेज़र डालेगा तो आपको वीडियो में दिखा नहीं पाऊँगा ऐसा है, क्योंकि लेज़र चलेगा तो वीडियो अपन शूट कर नहीं पाते, क्योंकि कैमरा ख़राब हो जाएगा, महंगा है कैमरा मोबाइल भी, तो फिर ठीक है। और इसमें क्या क्या लगा है मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे देखो 2, 3, 6 लाइनरें और ऊपर 4,
10 लाइनरें हैं, ऊपर में 4 है, यहाँ पे 6 है सिंगल सिंगल वाला, और 8 बेस, ये SS सीरीज वाला, और साइड से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग कवर वगैरह भी डलवा दिए हैं। तो कवर और ये पूरा इधर वायरिंग और अंदर में डला है 75 kVA का। तो अभी थोड़ा सा इसको चालू करके अपने DSP में इसको साउंड थोड़ा सा ट्यूनिंग करना है, और ये देखो पूरा खुला, तो थोड़ा साउंड ट्यूनिंग करना पड़ेगा। कल चेक किए थे तो कल नाइट हो गया, तो ज़्यादा हम लोग ट्यूनिंग नहीं किया, अभी सुबह थोड़ा सा करना है क्योंकि थोड़ा काम इसमें बचा हुआ है। तो थोड़ा सा मिड में ट्यूनिंग करना है और थोड़ा सा बेस में, ये देखो ठीक है। तो चलो अभी सब लोग सो रहे हैं, बहुत देर तक काम हुआ है, और अभी ये त्रिपाल को खोल के वहाँ से कनेक्शन ले, सब लोग सो रहे हैं। और ये गाड़ी भी है, ये गाड़ी में भी सिस्टम रेडी है, इसमें है 6 SRP, 4 टॉप, 2 लाइनरे, और इसमें भी फॉग, इसमें भी फॉग, इसमें 40 kVA का अपना पुराना वाला DG। इस किसी को चाहिए तो बताना, जल्दी बताना क्योंकि जल्दी बिक जाएगा ये। देखो गाइस बारिश होने लगा है और ये पूरा तिरपाल से ढके हैं, लेकिन तिरपाल के अंदर भी पानी जा रहा है। अरे लकड़ी दे दे, लकड़ी ये देखो, ये वाले को भी ढक दिए हैं, ये पुराना वाला तिरपाल है, कहीं कहीं से पानी घुस रहा है यहाँ पे। मौसम एकदम खराब हो गया है, देखो भाई पूरा दिमाग खराब हो गया आज। और वो एकर अंदर कौन में जाते कौन में नहीं जाते कोई पता नहीं है। तोला झूले ना झूला